हेलो एवरीवन, देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें देखो जरा क्या दिया हुआ है। अ लाइट रे एंटर्स इनटू अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक लाइट एंटर करी है ग्लास में, एक लाइट रे ने एंटर किया है ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है हमें 1.5 दिया हुआ है। और फ्रॉम एयर, मतलब ये ऐसे कह रहा है, अगर इसका डायग्राम हम बनाएं, ये एयर है और ये क्या है ग्लास है इधर, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे एंटर करी है एयर से ग्लास में, ठीक है। तो ऑब्वियसली पता है, हमें पता है ये रेयरर मीडियम होता है, ये डेंसर होता है, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको डायग्राम, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है बताओ जरा, बेंड कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बनता है, ये सब हमें पता है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो जरा, ये हमें पता चल गया कि ये एयर से ग्लास में गया है, तो हम इसको यहाँ एयर टू ग्लास ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए एन जी इज इक्वल टू, अगर हम वेलोसिटीज़ की बात करें तो हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा आपके पास वी ए आएगा और यहाँ क्या आएगा वी जी आएगा, क्लियर है इतनी बात, ये सब पता होगा पिछले टॉपिक अगर आपने देखे हैं तो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है 3 × 10^8, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखो जरा ए एन जी ये कितना दिया हुआ है हमें 1.5 इज इक्वल टू में ये है 3 × 10^8 और ये नीचे क्या आ जाएगा आपके पास वी जी आ जाएगा, ठीक है। वी जी इधर जाएगा तो ये आ गया 3 × 10^8 अपॉन में 1.5, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10^8 और 1.5 का जब हम 10 नीचे लगाएंगे तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 3 = 30 हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। एंड 15 × 30 कितना आ गया है 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास आ गया, या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई, क्लियर है इतनी बात बताओ, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका भी है एक, ठीक है, वो देखो कैसे, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वो कितना दिया हुआ है आपको 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनेगा अगर यहाँ से हम देखें, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, और अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो मीडियम है उसमें, ठीक है। तो देखो एन जी है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10^8 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज वी जी, तो वी जी इधर चला जाएगा और 3 × 10^8 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये नीचे 1.5 आ जाएगा, और ये फिर इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा और 15 × 2 = 30 और 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड यही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज कितना दिया हुआ है आपके पास 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वाटर में वी डब्ल्यू कितनी दी हुई है 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर का निकालना है, तो ये बड़ा सिंपल है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कौन सी होगी वाटर वाली, तो ये वी डब्ल्यू, समझ रहे हो इतनी बात। तो सी आपको पता है, यहाँ नहीं भी दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कितना होता है 3 × 10^8 होता है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा जल्दी से, ठीक है, समझ रहे हो। और वी डब्ल्यू कितना है हमारे पास 2.25 × 10^8, तो 10^8 तो 10^8 से कैंसिल हो गया और 2.25 का 100 लगेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 225। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 5 × 6 = 30 तो 60 आ जाएगा, ये 5 × 4 = 20 एंड 5 × 5 = 25 ये आ गया यहाँ से, फिर अगेन 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 एंड 5 × 9 = 45, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, तो आंसर आ गया आपके पास 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर इज 4/3, और अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहते हो तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 3 = 3, 1 × 3 = 1, 0 लगेगा तो पॉइंट लगेगी यहाँ पर, और 3 × 3 = 9, फिर अगेन 1 फिर 0 फिर 3 = 9, बस ये चलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 1.33, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना आ गया 1.33, समझ रहे हो बात को या नहीं बता दो, सिंपल, और आपको पता है यूनिट कोई होते नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है, तो इट हैज़ नो यूनिट्स, क्लियर।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करने हैं, ठीक है। और ये अच्छे से तब समझ में आए होंगे अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो पिछली वीडियोस देख लो तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है, थ्री न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ज़रा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।